हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा क्या है, नेशनलिस्ट इन इंडिया। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हमारा जो पहला पेज है उसमें हमको क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि 1919 का समय था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, जो 1913 और 18 के बीच में हुआ था। तो उसमें बताया गया कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में ज़्यादा लोग सरकार खर्च कर रही थी, जिससे टैक्सेस बढ़ रहे थे और लोन भी ले लिया गया था वॉर के लिए। तो उससे जो है, जो कॉमन पीपल था उसको बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ रहा था। तो ये सब था हमारे उसमें वर्ल्ड वॉर 1 में। तो फिर बाद में बताया गया कि इन सब सफरिंग के चलते हुए एक हमारा नया तरह का एक मूवमेंट लॉन्च, वो मूवमेंट बता रहे हैं, एक सत्याग्रह का नया आइडिया आया गांधी जी के द्वारा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में बताया गया। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह में गांधी जी आए थे इंडिया 1919 में। वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आए थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। तो रेसिज्म में उनको ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी, तो उसके चक्कर में वो बहुत फेमस हो गए। फिर यहाँ पे आइडिया और सत्याग्रह के बारे में बताया जाता है कि सत्याग्रह में क्या एम्फसाइज किया जाता है, किस चीज़ को बढ़ाया दिया जाता है बढ़ावा, कि सच के बारे में और सच को जानने के इच्छा के बारे में बढ़ावा। गांधी जी जब इंडिया आए 1917 में, तो उन्होंने पहले 1916 में आए, एक साल उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, इंडिया की जो जो कंडीशन है उन पे ध्यान दिया और उनको समझा। फिर बाद में 1917 में वो चंपारण बिहार में है, जो कि वहाँ पे गए जो पीजेंट्स हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने। और दूसरा 1917 में ही वो गुजरात गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी जो पीजेंट हैं उनकी क्रॉप फेलियर हो गया था, तो जो रेवेन्यू कलेक्टर थे वो रेवेन्यू मांग रहे थे, तो रेवेन्यू को कम कराने के लिए वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए। फिर इसी बीच में हमारा रॉलेक्ट एक्ट पास कर दिया गया। रॉलेक्ट एक्ट क्या होता है कि किसी भी इंसान को केवल शक के दायरे पे 2 साल के लिए सजा की जा सकती है जेल में, और बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये 6 अप्रैल 1919 में रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ। 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने एक हड़ताल के साथ रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। तो इसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट को हटाया जाए, इसका ये पूरा रॉलेट सत्याग्रह था। इसमें क्या हुआ, कई सारी जगह जो है हड़ताल हुई और यही सब हुआ, जैसे पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाता है, रैली निकली। फिर इस बीच में क्या हुआ, अमृतसर में 4 दिन बाद इसमें क्या हुआ कि गांधी जी को फिर बाद में दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया गया, और ज्यादा लोगों के एग्रेसिवनेस बढ़ रही थी, तो रेलवे नेटवर्क और कम्युनिकेशन भी बंद हो सकता था उन सबका। तो सब लोग, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने सारे जो नेशनलिस्ट के लोकल लीडर हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919, इस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग अग्रेसिव हो गए, इसमें क्या किया, बिल्डिंग तोड़ने लगे और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगा। फिर इसमें मार्शल लॉ अप्लाई हो गया। फिर 13 अप्रैल को जनरल डायर जो है मार्शल लॉ का इस समय कमांड ली थी, उसने 13 अप्रैल को एक बैसाखी का फेस्टिवल था, लोकल लोग मनाने आए थे, मेला लगा था। तो उसमें ये खबर थी कि कुछ लोग जो है अपना, कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग अपना ये मूवमेंट की तैयारी के लिए आएंगे बातें करने। तो इसमें क्या हुआ कि उसने सारे एग्जिट बंद कर दिए उस जगह के, और अमृतसर में, और पूरे पे गोली चलवा दी। ये था पूरा जलियांवाला बाग। फिर बाद में जब ये खबर बाहर फैली तो बहुत ज़्यादा लोग बिल्डिंगें तोड़ने लगे, कई लोगों को ब्रिटिशर्स को मारने लगे और यही सब करने लगे, दंगे होने लगे। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। फिर अब देखा जाए तो गांधी जी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, कई लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा कि एक अगला मूवमेंट लॉन्च किया जाए। फिर ये सब देखते हुए इतना तो समझ आ गया था उनको कि हिंदू और मुस्लिम को एक लाएंगे तो एक अच्छा मूवमेंट होगा और उससे हमारा मूवमेंट सफल रहेगा। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम चल रही थी, खिलाफत प्रॉब्लम। तो उसको इन्होंने मूवमेंट बनाया। खिलाफत में क्या था कि एक जगह के ब्रिटिशर, वो ओटोमन एम्पायर जो था वहाँ पे उनके खलीफा थे, तो उसको जो है उनको हटा दिया गया था, और ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ उन पे फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा रूमर टाइप की फैली थी। तो उसमें जो है अली ब्रदर्स आए थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसमें जो है इन दोनों ने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, गांधी जी ने कहा था अपनी बुक हिंद स्वराज में, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश रूल तभी इंडिया में आया जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट किया, पर अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल चला जाएगा। तो खिलाफत और स्वराज के इशू को उठाने के लिए गांधी जी ने सोचा कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे होगा। तो इसका पहले क्या था कि पहले, अब देखो कुछ पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट, कैसे स्टार्ट होगा, कि जितने भी गवर्नमेंट ने किसी इंसान को टाइटल दिए हैं तो उसको जो है सरेंडर कर देंगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नंबर टू में क्या होगा कि जितने भी नौकरी हैं, सरकारी नौकरी, उन सबको छोड़ना पड़ जाएगा, और उनको छोड़ देंगे तो कोई वर्कर ही नहीं बचेगा। तो दूसरा पॉइंट। फिर फाइनली दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है, जिसमें जो है
ये कांग्रेस वाले लोग सब एक्सेप्ट कर जाते हैं कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो अब इस सब सेशन के बाद में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है जनवरी 1921 में। तो जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, मिडिल क्लास जो थी हमारी वो सबसे पहले इमर्ज होती है। जो बच्चे होते हैं वो सब स्कूल छोड़ देते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, टीचर भी स्कूल छोड़ देते हैं, सारी सरकारी नौकरी छोड़ दी जाती है, फॉरेन क्लोथ को बर्न कर दिया जाता है, रैली होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, ये सब होता है। पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे इंडिया का, जैसे क्लोथ जो है लेना बंद कर दिया गया फॉरेन का, तो अब लोग क्या करेंगे, अपना खुद का क्लोथ बनाना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों ने खादी का क्लोथ बनाना स्टार्ट किया, पर प्रोडक्शन भी कम था और ज्यादा जल्दी हम लोग टैकल नहीं कर पाए इन सब की इनसफिशियंट नीड को। तो जैसे कि अब स्कूल लोगों ने छोड़ा था सरकारी, तो हम लोगों को दूसरे स्कूल बनाने चाहिए थे, पर वो सब हम लोग नहीं कर पाए। और खादी कपड़ा जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो पुअर पीपल जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस चक्कर में थोड़े दिनों तक तो ये सब रहा, फिर बाद में लोग वापस अपने काम पे आ गए और धीरे धीरे मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो गया। ये एक ड्रॉबैक है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों बंद हो गया ज्यादा जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊं। और जब लोगों ने क्लोथ छोड़ा था, तो जो हमारा जो जैसे कोई भी कपड़ा आता है किसी देश से, तो लोग उसे कितना खरीद रहे हैं, उन सबकी जो टोटल कमाई होती है, तो जो इंडिया की जो टोटल कमाई थी वो पहले थी 102 करोड़, पर जैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो सीधा ड्रॉप हो गई थी 57 करोड़ तक। हमारा यहाँ पर शुरू होता है एनसीएम इन कंट्री साइड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे होता है, कंट्री साइड मतलब कि रूरल एरिया, जो भी ग्रामीण इलाका है हमारे देश का, वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें 4 पॉइंटर्स आते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चरल रायट, जो एग्रीकल्चर के लिए होते हैं। दूसरा आता है नाई धोबी बांध, तीसरा आता है अवध किसान सभा, और चौथा आता है ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज वायलेंस। पहला अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीरियन रायट, मतलब एग्रीकल्चरल रायट। अब एग्रीकल्चरल रायट ये किया गया था ट्राइबल और पीजन के द्वारा, पीजन मतलब जो किसान लोग। अब पॉइंट आता है कि इसको किया क्यों गया, व्हाई एग्रीकल्चरल रायट डन। तो देखिए इसके 4 पॉइंटर्स सुनते हैं। पहला कि जो लैंड लॉर्ड थे, जमींदार लोग और जो तालुकदार लोग थे, वो पीजेंट और ट्राइबल से बहुत ज्यादा रेंट वसूल करते थे। दूसरा, उनको कोई भी राइट टू जॉब नहीं था। तीसरा कि जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती थी पीजेंट लोगों को, जब भी मन चाहते थे वो लोग उनको हटा देते थे। फिर चौथा कि उनके साथ बेगार भी करवाया जाता था, मतलब जबरदस्ती बिना किसी पैसे के उनके साथ काम करवाया जाता था। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब इसका आउटकम क्या आता है कि बाबा रामचंद्र एक लीडर की तरह निकल के आते हैं, जो कि पहले एक सन्यासी थे और वो फिजी में जाके लेबर की तरह काम भी कर चुके थे। वो सारे पीजन को एक साथ करते हैं और एग्रीकल्चरल रायट करते हैं। सब पूरा रायट और बाबा रामचंद्र के पीजन ये सब कहाँ पे करते हैं, अवध में। दूसरा आता है हमारा नाई धोबी बांध। नाई मतलब जो बार्बर होते हैं, धोबी मतलब जो वॉशरमैन होते हैं। तो कई जगह पे पंचायत ने क्या किया कि उनकी जो है जो भी सर्विसेज होती थी उनको बंद कर दिया, और लैंडलॉर्ड अब क्या करते थे, उनकी सर्विसेज नहीं मिलती थी। और फिर तीसरा हमारा अवध किसान सभा बनाई गई, उसमें जो है जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसे बनाया था। जून 1921 में वो अलग अलग जगह पे गए, घूमे, लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उनको समझा, और इसको बाबा रामचंद्र ने भी ज्वाइन कर लिया था। और धीरे धीरे इस अवध किसान सभा की लगभग 300 ब्रांच इंडिया भर में ओपन हो गई थी। फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तब इसका बहुत ज्यादा सहयोग था इस सब में। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 4th पॉइंट, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। इसमें जो है बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। तो गुडेन हिल्स एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छे से आता है। और वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि छुप के मारना सब लोगों को। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनके राइट जो फॉरेस्ट के लिए थे वो तो डिनाई कर दिए, और वो लोग फॉरेस्ट में ही रहते थे। तो उन्होंने क्या क्या डिनाई किया कि वो लोग फ्रूट नहीं ले सकते फॉरेस्ट से, फ्यूल वुड नहीं ले सकते, और ग्रेजिंग व्रेजिंग नहीं करवा सकते। तो इसके लिए जो बाकी सब लोग थे वो स्वराज के लिए बहुत ज्यादा जागृत हो गए और सब ब्रिटिशर्स को वही गुरिल्ला वॉरफेयर से मारने लगे। उसका आउटकम क्या आता है कि लोग तो पहले बात बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, उनके राइट डिनाई कर दिए गए, उनसे बेदार भी करवाया जा रहा था। अब इसी सब बीच में एक लीडर निकल के आते हैं हमारे अलूरी सीताराम राजू। तो उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, और वो बताते हैं कि उनके अगर चेस्ट पे गोली लग जाए तब भी उनको कुछ नहीं होगा, और वो लोगों को हील भी कर सकते हैं, वो भविष्य भी बचा सकते हैं। सीताराम राजू ने क्या किया, पहली बात वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, दूसरा कि वो वॉयलेंस के तरीके से स्वराज की खोज करने लगे, फिर स्वराज को पाने लगे। तो उन्होंने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया, और फिर बाद में पुलिस स्टेशन गए गुडेन हिल के पास में जो था, वहां पे कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा। फिर उन्होंने जो है वो खादी से भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया उन्होंने, और उन्होंने ड्रिंकिंग भी छोड़ दी थी। इतना सब करने के बाद उनको ब्रिटिश वालों ने पकड़ लिया, और फिर बाद में उन्हें मौत की सजा दे दी 1924 में। अब यहाँ पे एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आता है 1859 में, उसमें क्या बताया जाता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको प्लांटेशन में ही रखा जाएगा, वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकते। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम आता है, तो इसमें लोग प्लांटेशन वाले के लिए स्वराज का मतलब क्या होता है कि अपने घर जाना। तो वो लोग क्या करते हैं, एनसीएम को ज्वाइन करने जाते हैं, पर लोग ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर बाद में उन सबके अंदर वो सब जो है इकट्ठा होते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था अपने घर पर जाना। यही सब बीच में गांधी जी सोच रहे थे कि ये सब इतनी बड़ी जो जनता है इसको ट्रेन करना जरूरी है।
पर कोई वो डिसीजन ले पाते इसी से पहले जो है चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, ये गोरखपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ रेबल लोग आए थे, पुलिस स्टेशन में घुस के उसको पूरा जला दिया था और कुछ लोगों को मार भी दिया था, तो उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो जब जैसे गांधी जी ने ये सब सुना तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। फिर गांधी जी इसी तरह छोटे मोटे प्रोटेस्ट करते रहे और उन्होंने सोचा कि जब सब लोग अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा अच्छा मूवमेंट। तो एक और बात आती है कि जो सीआर दास थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई थी। पार्टी फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 1923 में और ये कांग्रेस के साथ ही काम कर रही थी, पर अचानक से सीआर दास की डेथ होने के कारण इस पार्टी ने कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बनाया। अब 1928 में हमारी एंट्री होती है साइमन कमीशन की। ये इंडिया आया था। अब इंडिया ये क्यों आया था? ये आया था इंडिया में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और गवर्नमेंट को बताने कि पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसमें 11 मेंबर की टीम थी, पर ये सब 11 मेंबर जो है वो इंडिया के नहीं थे, ये सब फॉरेन के थे। और इसीलिए जो है इसको जो लोग थे उन्होंने एक स्लोगन दिया, गो बैक साइमन, और उनको हटा दिया, क्योंकि इसमें इंडियन टीम इंडिया का कोई था ही नहीं और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो फॉरेनर आके कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना बना सकता है। और इनके हेड थे सर जॉन साइमन। अब ये सब होने के बाद लॉर्ड इरविन ने हम इंडिया वालों को डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया। अब इसका मतलब क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? इसमें ये कहा कि हम ब्रिटिशर्स बाहर से तुमको रूल करेंगे, तुम अंदर से रूल कर सकते हो। पर लाहौर सेशन 1929 में सब कांग्रेस वालों ने डिसाइड किया कि हमको पूरा इंडिपेंडेंस इंडिया चाहिए, और ये डेट डिसाइड की गई 26 1930 को हमें आजादी मिल जाएगी, ये डेट को डिसाइड किया गया। पर इस दिन को हमें आजादी नहीं मिली थी तो इसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। फिर गांधी जी ने सोचा कि हम लोग अगर अमीर और गरीब को एक साथ ला के रिवोल्ट करें तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, तो उन्होंने नमक को एक तरह से उसका टूल यूज किया। नमक में उस समय टैक्स बहुत ज्यादा था, तो गांधी जी ने सोचा कि हम सॉल्ट मार्च निकालेंगे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, खुद का नमक बनाएंगे। फिर 31 जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं कि तुम हमारी 11 डिमांड पूरी करो, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकलते हैं साबरमती आश्रम से और दांडी पर जाते हैं, वहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, और ये सब करने में उनको 24 दिन लगते हैं, 240 माइल 240 माइल वो लोग चलते हैं, और 6 अप्रैल को पहुंच के वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं सॉल्ट लॉ ब्रेक करके। 12 मार्च से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब उसमें क्या हुआ, जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया तो कई सारे लोग अपना खुद का सॉल्ट बनाने लगे सीधे, और कई सारे जो फैक्ट्री थी सॉल्ट वाले उनके सामने प्रोटेस्ट होने लगे, और फॉरेन क्लोथ को बंद करने लगे लोग, लिक्विड शॉप को बंद करने लगे, और जितने भी रेवेन्यू थे जैसे चौकीदारी टैक्स उसको देना बंद कर दिया, और जो पीजेंट थे उन्होंने अपना रेवेन्यू या फिर टैक्स देना बंद कर दिया, और कई जगह लोग फॉरेस्ट लॉ ब्रेक कर दिए, और जो भी जैसे एक लॉ था कि बाहर नहीं जा सकते प्लांटेशन वाले में, तो सब लोग अपने घर जाने लगे, इस तरह से लोग करने लगे। तो इन्हीं सब चीजों में एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे इन्हें कहते हैं फ्रंटियर गांधी, और ये गांधी जी के फॉलोअर थे। इन्होंने पेशावर में एक रेड शर्ट मूवमेंट किया था जिसमें जिसका नाम इन्होंने दिया था खुदाई खिदमतगर, मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड, ये एक पर्शियन फ्रेज। अब यहाँ पे आउटकम क्या आता है, आउटकम आया कि कई लोगों को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया, और फिर बाद में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, ये सब आउटकम आया। फिर एक साल बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च को 1931 में, जिसमें गांधी जी ने सोचा कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विदड्रॉ कर। इस गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी ने कहा कि तुम लोग जितने भी इनोसेंट पीपल हैं जेल में उन सबको बाहर करो, और हम यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट बंद कर देंगे, और गांधी जी एग्री हो गए कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं, वहां पे उनके बातचीत में उनको कुछ समझ नहीं आता, नेगोशिएशन फेल हो जाती है, फिर वो फिर से इंडिया आते हैं और फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। इसी सब बीच में कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था और इनके लीडर को अरेस्ट भी कर दिया गया था। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा 3.2 की लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा, तो इसमें हम लोग 5 तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला रिच पीजेंट, दूसरा पुअर पीजेंट, तीसरा रोल ऑफ वुमेन, चौथा इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट, और पांचवा बिजनेसमैन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिच पीजेंट। रिच पीजेंट क्या कौन कौन होते हैं? पहला पटीदार गुजरात के और जाट यूपी के, और उन लोगों का क्या हुआ कि इंडिया में उस समय इतना अपोजिशन हो रही थी कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, तो उनकी इनकम भी कम हो गई थी और ट्रेड भी कम हो गया था, तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की कि अपना टैक्स कम करो, और उन्होंने स्वराज की डिमांड की। इसी तरह पुअर पीजेंट का भी है, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, तो उनको भी पैसे की दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने भी ब्रिटिशर से कहा कि हमारा रेंट कम कर दिया जाए, पर कांग्रेस ने इसके लिए कोई नो रेंट कैंपेन नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि जो पैसे लेने वाले रेवेन्यू कलेक्टर थे वो तो बड़े बड़े जमींदार थे, और जमींदार जो है कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, तो अगर वो पुअर पीजेंट का सपोर्ट करने लगते तो जमींदार का सपोर्ट छूट जाता, जो कि उनके लिए ठीक ना रहता। बात आती है बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास में वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और इसी तरह फिर बाद में पैसा कमाते गई, तो इन सबको साथ लाने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI को एस्टेब्लिश किया गया, इंडियन एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया।
इन दोनों को सपोर्ट किया जी डी बिरला ने और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर की बात आती है तो ज्यादातर लोग तो सीडीएम से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, पर जो लोग कनेक्टेड थे उन्होंने वही किया जो बाकी लोग कर रहे थे, स्ट्राइक की और फॉरेन गुड को बायकॉट किया। अब आती है बात लास्ट में वुमेन की। वुमेन ने भी अच्छा खासा अपना रोल निभाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जैसा सब लोग कर रहे थे, खादी को अपनाया और बाकी फॉरेन गुड को बायकॉट किया, कुछ वुमेन घर से ही जो है न्यूज़पेपर में अपनी हेडलाइन कुछ कविताएं छपवाती थी, इस तरह से उन्होंने भी सपोर्ट किया। कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और रैली भी निकाली। ये हमारा पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब आता है कि इसमें कमियां क्या क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो पहला पॉइंटर है कि अनटचेबिलिटी, दूसरा पॉइंटर है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब अनटचेबिलिटी के बारे में देखते हैं तो जो अनटचेबल लोग थे, दलित थे जिनको कहा जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया जाता था, बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता था, पर कांग्रेस ने उनका सपोर्ट ज्यादा नहीं किया क्योंकि वो सोचती थी कि अगर हम दलित का सपोर्ट करेंगे तो हाई कास्ट हिंदू हमको सपोर्ट नहीं करेगा। इसी पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि स्वराज विल नॉट कम आफ्टर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी पे गांधी जी ने कई सारे स्टेप दिए। पहला स्टेप क्या है कि उनको जितने भी दलित लोग हैं उनको हरिजन कहा, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और दूसरा स्टेप क्या है कि जिन दलित को अंदर जाने नहीं दिया जाता था मंदिरों के, वो उन सबको झुंड में बना के साथ लेकर मंदिर के अंदर चले गए और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब में उन लोगों को सब लोगों ने इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया और सब लोग साथ में चल दिए। और गांधी जी ने खुद से टॉयलेट भी साफ किए और सब लोगों को परसुएड किया कि आप हरिजन हैं और सब लोगों को थोड़ा लोगों के बराबर लाने का ट्राई किया। इन्हीं दलित को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए हमारे सामने आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। इन्होंने क्या किया कि इनकी कुछ डिमांड थी, पहला कि इनको दलित जो है उनको एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन में कुछ रिजर्व सीट दिया जाए, और दूसरा कि इनका अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा डिमांड की इस चीज की, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने मांग ले, पर गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए, मतलब कि भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो फिर बाद में पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक डिसीजन लिया जाता है कि जो एससी एसटी लोग हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए क्या होगा कि इनके लिए अलग अलग रिजर्व सीट हो जाएंगे पूरे इंडिया भर में, ना कि किसी एक जगह पर सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उनके लिए अलग से इलेक्शन हो, ये डिसीजन हुआ। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम्स में, मुस्लिम लीग। इनके पॉपुलर एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन में इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके मेंबर चाहिए, और अगर इंडिया में इतनी इसकी पॉपुलेशन से रेशियो निकाला जाता तब तो ठीक था। पर इनकी डिमांड क्या थी कि पंजाब में और बंगाल में जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन थी उस समय पे, उससे इनका प्रोपोर्शन लिया जाए, तो उसमें तो बहुत ज्यादा उसमें मुस्लिम लोग आ जाते, तो ये गलत था। तो इसमें जो है इनकी ये डिमांड थी, तो इस और उन्होंने कहा अगर ये डिमांड पूरी कर दी जाए तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए नहीं मांगेंगे। तो ये डिमांड तो ऑब्वियसली कोई नहीं पूरा करने वाला था, तो ये इसमें जो है ये इनकी डिमांड भी नहीं पूरी हुई, तो ये अपना अलग से अपना इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना अच्छा रोल नहीं निभाया, और इससे क्या हुआ जितने भी मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया कि एक मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें जो क्या हुआ कि जो कई सारे लोगों ने एलियनेटेड फील किया और कई लोग उतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इस मूवमेंट में। ये सब थे लिमिटेशन। उसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, लोगों के अंदर हम सब एक हैं वाली बात कहाँ से आई, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहाँ से आई। तो किसी भी एरिया के लोगों के अंदर यूनाइटेड होने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है इसके लिए पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी आती है कि उन लोगों का कल्चर सेम हो। कल्चर सेम हो मतलब कि उनकी लोकल ड्रेस सेम हो, लोकल क्लोथ सेम हो, लोकल फूड सेम हो, और लोकल हिस्ट्री जो है मतलब हिस्ट्री भी लोगों की सेम हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि उनका फोकलोर सेम हो, जैसे कि फोकलोर ऑफ साउथ हमारे बुक में दिया गया है हिस्ट्री में। और क्या सेम हो सकता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस सेम हो, जैसे हमारे इंडिया में क्या हुआ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसको सब लोगों ने एक मोटिवेशन के टाइप कर लिया, और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी लोग कर लेते हैं कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि कई सारे लोगों से जैसे कि हिस्ट्री में कई सारे लोग हैं, कई सारे वॉरियर हैं, उन सबसे एक पर्सनल फीलिंग टाइप की डेवलप कर लेते हैं, और कई सारे मूवमेंट्स के भी वजह से कई लोग यूनाइट हो जाते हैं। एक और बात है कि जैसे फ्रांस में मरियाना ब्रिटिश और जर्मनी में जर्मेनिया टाइप की एक एलिगोरी बनाई गई थी, उसी तरह इंडिया में भारत माता टाइप की भी एक एलिगोरी बनाई गई। तो यहाँ पे एक नाम आता है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये 1838 में ये पैदा हुए थे, और 1870s में इन्होंने वंदे मातरम लिखा, और फिर बाद में इन्होंने एक आनंद मठ नॉवेल भी लिखी थी जो कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में बहुत ज्यादा गाई गई थी। पहली बार भारत माता की फोटो तो इन्होंने बनाई थी, दूसरी बार फोटो बनाई थी अवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक। और यहाँ पे एक फ्लैग की भी बात आती है कि स्वदेशी मूवमेंट में जो है एक फ्लैग यूज किया गया था रेड व्हाइट और ग्रीन का, और फ्लैग जैसे अपना इवॉल्व हुआ तो पहले फ्लैग में बताया गया कि रेड व्हाइट और ग्रीन और उसमें चरखा बना होता था, फिर धीरे धीरे करके वो चक्र बन गया। अरे एकदम लास्ट में आता है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हिस्ट्री को बताया जाता है, ग्लोरियस पास्ट है, लोगों को अपने पास्ट पे गर्व होता है, यही होता है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। एंड हाँ, रुको रुको, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।